नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली और जनसभा है। उस जनसभा में एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, जिसको लेकर पिछले एक या दो दिन से लगातार सोशल मीडिया पर लोगों के मैसेज आ रहे हैं। लोग जिस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं कि कुछ लोगों की ये खबर आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी की ताकत को देखते हुए, उनके शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए कुछ लोग बड़ी भारी तादाद में उनकी इस रैली में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की जो ताकत उभर कर आई है पिछले दिनों से, जब से वो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके का समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है उसको देखकर बहुत से लोग घबरा गए हैं और रविंद्र सिंह भाटी की इस ताकत को देखकर उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि कुछ इसके अंदर जो लोग हैं वो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, इस तरीके की हरकत को अंजाम दे सकते हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने इसको लेकर जो संभावनाएं जताई हैं वो भी अपनी पूरी तैयारी में है, और साथ ही ये बताया गया है जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि प्रशासन को भी इस बारे में शायद अवगत करा दिया गया है। और अब रविंद्र सिंह भाटी की आज जो नामांकन रैली है उसमें लगभग 1 से 3 लाख तक लोगों के आने की संभावनाएं हैं, और जिस तरीके से कल खबरें आ रही थी, जो लगातार सोशल मीडिया में मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही थी, कई जगह तो 5 लाख तक के लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो रविंद्र सिंह भाटी की जो रैली होने वाली है ये कहीं ना कहीं एक इतिहास दर्ज करने वाली है और एक इतिहास के पन्नों में अपना जो नाम बनाने वाली है वो भी अपने आप में देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जब शिव में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी थी तब उनकी विधानसभा चुनाव में भी नामांकन रैली में जो रैली ने रिकॉर्ड बनाया था, जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ा था, वही अब जो लोकसभा चुनाव के लिए रविंद्र भाटी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं उसमें भी इस तरीके का ही हुजूम देखने को मिल सकता है। इस बारे में कोई भी रिपोर्ट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नामांकन रैली के लगातार आपको हम वीडियोस शेयर करते रहेंगे, वहां की जो भी स्थिति है, जो भी सारा आपको पूरा का पूरा लाइव या जैसे भी वीडियोस के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।